Gargoti Minerals Museum, Nasik. Welcome to the world of zeolites. Witness the world-class collection of Indian zeolites in all its glory. Experience the shimmering beauty of rarest zeolites. Get mesmerized by the treasures of Mother Earth. Come home to the most unique mineral museum in the world, which has 1,700 rare specimens on display from a total collection of 15 million minerals. Come, feel the divine aura of minerals in their purest form. Gargoti Minerals Museum, a visual treat for your eyes, a tourist destination. Thank you.
कृष्णः कर्माणि पश्यत यतोव्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युच्यः सखा। भगवान को मूर्त रूप में देखना चाहते हो तो देखो उगते हुए सूरज और चांद को। भगवान को मूर्त रूप में देखना चाहते हो तो देखो खिलते हुए पुष्पों और कलियों को। जल चर थल चर नभ चर, हर इंसान को हर जीव को देख करके भगवान मानो अपना मूर्त स्वरूप लिए हुए होते हैं। फिर भी बहुत से अज्ञानी लोग कहते हैं भगवान है कहाँ। मैं कहता हूँ एक बार विवेक की आंखों से देखो तो सही, तुम्हें हर पत्थर में हर कंकर में शंकर दिखाई देंगे। भगवान का मूर्त स्वरूप खोजना हो और देखना हो तो कभी देखना धरती के भीतर, जो हीरे हैं, जो रत्न हैं, जो माणिक्य हैं, वह हिरण्यगर्भा है परमात्मा। हिरण्यगर्भा ये धरती, इस धरती में जब देखते हैं पत्थरों को भी निकाल करके तो उनके भीतर से भी भगवान मूर्त स्वरूप ले भी दिखते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने भी देखा। और मैं पहली बार उस समय एक कहीं गहरे आश्चर्य में खो गया जब मैंने महसूस किया कि भगवान के बारे में मैंने पढ़ा था वेदों में कि भगवान के एक पैर में सृष्टि है, तीन पैर तो उसके अमृत में रहते हैं, बस वो आंख चाहिए जिससे हम उसको पहचान सके। जब भाई केसी पांडे जी ने मुझे पहली बार कहा कि स्वामी जी आप गारगोटी में आकर के देखो, मैं आपको पत्थरों में भगवान दिखाना चाहता हूँ। मैंने बहुत हिमालय देखा, मैंने बहुत जंगलों की खाक छानी, पूरी दुनिया ठीक है कि आज हम टीवी के माध्यम से भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष रूप से दुनिया में देश में बहुत भ्रमण किया। लेकिन पत्थरों की खूबसूरती व्यक्ति के मन को मोह लेती है, कहीं ठहरा देती है और उसको कहीं अंतर की गहरे में उतरने के लिए विवश कर देती है। ये पहली बार मैंने महसूस किया गारगोटी में। गारगोटी सिन्नर जो नासिक जिले में है, वहाँ जाकर के जिस तरह से पत्थर मन बोलते हुए पत्थर, ऐसा लगता है मानो उनके भीतर से स्वयं भगवान उद्घोष कर रहे हो कि देखो तुम दुनिया की कृतियों पर, दुनिया की आकृतियों पर, बाहर के मूर्त स्वरूप पर मोहित हो जाते हो, मेरे बहुत से स्वरूप तो तुमने अभी देखे भी नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ मानो भगवान एक मूर्त स्वरूप लिए हुए होते हैं, जहाँ भगवान बोलते हैं, जहाँ भगवान अपनी अलौकिकता को मानो दर्शाते हैं, और उसी का नाम है विष्णु कर्माणि पश्यत। भगवान की कृति को देखो तो सही, तुम महसूस करोगे कि भगवान बहुत महान है। यूँ तो 650 करोड़ तो इंसान ही उसने अलग अलग रूपों में घड़े हैं, लेकिन पत्थर भी इतने खूबसूरत हो सकते हैं और वो पत्थर बोलते हुए दिखते हों ऐसे कि मानो उनके भीतर से स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हों। तो ऐसा ही कुछ देखा मैंने गारगोटी में, और वो देख करके ही मैंने नासिक का शिविर भी दिया कि ये इस इंसान के अंदर कुछ नया पैदा करने की क्षमता है। पत्थर तो बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन उन पत्थरों को देख करके उनको एक स्वरूप में प्रतिष्ठापित करना, उनकी एक पहचान बनाना और उसके द्वारा एक नया रोजगार का साधन भी पैदा करना, देश के हजारों नहीं लाखों लोग भी उससे एक नया अर्थतंत्र खड़ा कर सकते हैं। पूरे देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर भी हम उससे एक बहुत बड़ा मानदंड तय करके और अर्थ की भी बहुत ऊंचाइयां राष्ट्र की हम उससे बढ़ा सकते हैं। माने उसका एक तो सांस्कृतिक महत्व है, एक उसका राष्ट्रीय महत्व है, एक उसका आर्थिक महत्व है, एक उसका आध्यात्मिक महत्व है। साधना की दृष्टि से भी वहां देखे तो साधक शायद उससे मोहित तो हो जाता है, कहीं भगवान के अनंत काव्य में खो जाता है। तो एक ऐसे व्यक्ति ने एक नए रोजगार को पैदा किया, एक नए रहस्य को उजगार किया। भारत के जो अनछुए शायद बहुत से प्रश्न थे, इस धरती हिरण्यगर्भा धरती के शायद बहुत से रहस्य जो अभी विदित नहीं थे उनको प्रकट किया। यूँ तो हर व्यक्ति हर चीज़ को देखता है, लेकिन उसको देख करके उसको एक बहुत बड़ा स्वरूप देना और उसको एक बहुत बड़े स्वरूप में स्थापित करना और उसके द्वारा देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्ता को बढ़ाना, एक ऐसा ही काम भाई केशी पांडे जी ने किया। तो मैं जब खुद गारगोटी में गया और गारगोटी सिन्नर नासिक में जाकर के मैंने खुद उन बोलते हुए पत्थरों को देखा तो मैंने महसूस किया कि हमारी भारत की ये कृति, हमारी भारत की ये संस्कृति, हमारी भारत की ये संपदा, ये भारत का वैभव, ये भारत की वो आर्थिक ताकत जो कहीं ज़मीन में दबी पड़ी है,
इसको एक व्यक्ति जो प्रकट करना चाहता है, उस संकल्प को मैंने सोचा है कि आप सब भी जाने, इसीलिए गारगोटी की यात्रा मैंने स्वयं की, तो आप तक भी आस्था परिवार को कह करके मैंने पहुंचाने की कोशिश की है।